हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताऊंगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि बच्चे को दूध कैसे पिलाते हैं, नवजात शिशु को दूध कैसे पिलाते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, समझाऊंगी। पहले आप बच्चे को गोद में लीजिए। आप पहली बात की आप सोके दूध नहीं पिलाएंगे, सोके किसी भी बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता। आप आराम से बैठिए, वो भी पलथी मार के या लेट के, कैसे भी, जिससे आप बच्चे को गोद में बहुत कम्फर्ट तरीके से पकड़ सकें। इनको पकड़ने के बाद इनको आप दूध पकड़ाइए, और दूध जो निप्पल है आप उसको पकड़ाइए, और पकड़ाने के बाद जो निप्पल के अगल बगल का ब्लैक वाला जो पार्ट होता है वो भी बच्चे के मुंह में पूरी तरीके से जाए, और पूरी तरीके से जाए। और बच्चे का जो होठ होता है फ्रेंड्स, वो ऊपर का होठ ऊपरी तरफ और नीचे का जो होठ है वो निचली तरफ हो, और बच्चे के मुँह में पूरी तरीके से निप्पल के बगल वाला जो काला पार्ट है वो हो, तभी बच्चा ठीक से दूध पी पाएगा, वरना बच्चा दूध ठीक से नहीं पी पाएगा। और दूध पिलाते समय आप हाथ ज़रूर लगाएं, और हाथ जो आप लगा रहे हैं उसका दबाव नीचे की तरफ से हो, क्योंकि जो दूध होता है फ्रेंड्स वो नीचे के ही तरफ से निकलता है। तो ऐसे दूध पिलाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चे को ऐसे ही दूध पिलाएंगे, और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक घंटे पे एक बार ज़रूर करवा दीजिए। अगर आप करवाना चाहते हैं तो और ज़्यादा करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक घंटे में एक बार ज़रूर करवाएँ, क्योंकि बच्चे अगर एक से दो बार टॉयलेट कर देते हैं तो उसके बाद उनको भूख लग जाती है, जो कि वो हम लोगों से नहीं कह पाते हैं। और कोई बच्चे रोते हैं या कोई बच्चे सोते हैं, लेकिन हमें उनको जगाना है, और जगा के उनको दूध ज़रूर पिलाना है। ये आप लोग फ्रेंड्स ध्यान देंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा।